हेलो एवरीवन, पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेरिकन डेट सीलिंग क्राइसिस समझेंगे। देखिए, आपने कभी बैंक को डिफॉल्ट होते हुए सुना होगा, किसी कंपनी को डिफॉल्ट होते सुना होगा, पर क्या हो कि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश डिफॉल्ट हो जाए और डिफॉल्ट होने की कगार पर आ जाए। 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रही हैं। और ऐसा किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण नहीं होगा, ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण होगा। क्या है ये सारी न्यूज? अमेरिकन डेट सीलिंग क्राइसिस क्या है, डेट क्या होता है, डेट सीलिंग क्या होती है, एक बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर स्टार्ट, आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, जहां पर मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम एक अग्निपथ बैच लेकर आए हैं, दैट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल बैच, जिसके अंदर सिर्फ मात्र 7,999 रुपए के अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अंदर 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, प्लस एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 40 टेस्ट प्रीलिम्स का और 40 टेस्ट मेंस का होगा। इसको सब्सक्राइब करने के लिए, इसके अंदर एनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को आपको क्लिक करना होगा और लाइव डीबी कोड से आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 3,000 रुपए के भीतर भीतर आप इसके अंदर देख सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारी टीम है जो आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी अग्निपथ बैच के अंदर। इसी के साथ हम हिंदी मीडियम के अंदर बोध बैच भी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक लिंक आपको मिलेगा गूगल फॉर्म का, उसके अंदर आप कोई भी अपनी क्वेरी हो वो आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी उस क्वेरी का समाधान हो जाएगा। तो लाइव डीबी कोड आपको यूज करना है, जिसके फीस आपकी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या 1 जून को अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा क्या, ये हमको इसके अंदर समझना होगा। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट इकोनॉमिक क्राइसिस, दिस इज पॉलिटिकल क्राइसिस। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम जो है अमेरिका का, हमको समझना होगा। जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट होती है, वैसे ही यहाँ पर कांग्रेस है, ठीक है। यहाँ की पार्लियामेंट को एक तरह से कांग्रेस कहा जाता है, और इसकी लेजिस्लेटिव ब्रांच, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो सीनेट के अंदर अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजोरिटी है रिपब्लिकन की। एक तो ये आपको पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जिसके एक एक करके मैं तुमको सारी डायमेंशंस क्लियर कर दूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक डायमेंशन दोनों उसके अंदर चलेंगे साथ साथ। तो आप देखेंगे आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, उसके अंदर ये लिख रखा है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होंगी उसके अंदर दो हाउसेज होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, ठीक है। और इसी को हम यूनाइटेड स्टेट्स का कांग्रेस बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोला जाता है, वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस। तो ये जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट्स के पास पावर है लेजिस्लेशन बनाने की, कानून बनाने की, प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट्स को क्लियर करने की या फिर रिजेक्ट करने की, ठीक है, या फिर सब्सटेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग पावर भी है, ऐसा आर्टिकल 1 ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। चलिए, तो हम एक पॉलिटिकल डायमेंशन इसके अंदर समझ गए। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि व्हाट इज डेट, डेट क्या होता है, उधार क्या होता है, ये हम आपको समझाते हैं सिंपल भाषा के अंदर, आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक पर्सन है ए, ही वॉन्ट टू परचेज ए बाइक, और बाइक की कीमत जो है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की ये बाइक खरीदना चाहता है। इसकी सैलरी है 50,000 रुपीज, इसकी सैलरी कितनी है 50,000 रुपीज। तो क्या ये बाइक खरीद पाएगा क्या? नहीं सर, ये बाइक नहीं खरीद पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको? 50,000 रुपए का कोई लोन लेना पड़ेगा, 50,000 रुपीज का इसको लोन लेना पड़ेगा, और हम कहें 50,000 रुपीज का इसको एक तरह से उधार लेना पड़ेगा, डेट लेना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन परचेज दिस बाइक। ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट के साथ होता है। देखिए, इसको इस पर्सन को, ए पर्सन को अगर आप गवर्नमेंट माने तो गवर्नमेंट की सैलरी जो होगी वो टैक्स रिवेन्यूज और नॉन टैक्स रिवेन्यूज से सैलरी आती है, टैक्स से और नॉन टैक्स रिवेन्यूज से, ठीक है। बट ये इसके लिए इतना पूरा नहीं पड़ता है गवर्नमेंट के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है, इसको बोलते हैं अपन डेट, क्योंकि ये गवर्नमेंट ले रही है और गवर्नमेंट एक सोवरेन बॉडी होती है, तो उसको अपन सोवरेन डेट बोलेंगे। तो गवर्नमेंट, देश चलाना है गवर्नमेंट को, तो देश चलाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। पर इस एक्सपेंडिचर के अंदर आप यहाँ पर देखिए टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू से काम नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट को कुछ डेट लेना पड़ता है। सारी गवर्नमेंट डेट लेती है, भारत की गवर्नमेंट से लेकर अमेरिका की गवर्नमेंट भी डेट लेती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप यहाँ पर देखिए कि गवर्नमेंट जो मनी को बोरो करती है, ठीक है ना, बोरो मनी इन ऑर्डर टू पे द एक्सपेंसेस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकेयर बेनिफिट्स, यूएस मिलिट्री सर्विस, इसके लिए जो यूएस गवर्नमेंट डेट लेती है, जो उधार लेती है, उसको अपन यहाँ पर डेट बोल रहे हैं। अच्छा, यूएस गवर्नमेंट के अंदर क्या है, यूएस सिस्टम के अंदर क्या है, इस डेट की सीलिंग है।
सीलिंग का मतलब कि आप इससे ज्यादा डेट नहीं ले सकते। 1917 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये डेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट बनता है, और उसके अंदर ये बोला जाता है कि डेट सीलिंग कौन डिसाइड करेगा, कितना डेट गवर्नमेंट ले सकती है कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। याद करें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन, जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस है तो वहां की जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज रिपब्लिकन, रिपब्लिकन की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मेजोरिटी है, वहीं सीनेट के अंदर डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है जो कि अभी पावर में है, जो कि बाइडन की पार्टी है, राइट। तो वोट यहां पर करना होता है और वोटिंग की बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना लिमिट होगा डेट सीलिंग का, कितना लिमिट है, कितना आप उधार ले सकते हैं। तो यहां पर अभी आप देख रहे हैं 2021 के अंदर ये डिसाइड हुआ था वोटिंग के थ्रू ही कि डेट का जो लिमिट है, राइट, डेट का लिमिट जो है वो $31.4 trillion होना चाहिए, राइट। अब ये डेट का लिमिट जो है, ये डेट का लिमिट जनवरी के अंदर पूरा हो गया, इतना उधार मतलब अमेरिका की गवर्नमेंट ने ले लिया अपना खर्चा चलाने के लिए। अब यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के अंदर वापस से एक लेजिस्लेशन बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर इन दोनों की ही मेजोरिटी चाहिए होगी, और वो उस लेजिस्लेशन से फिर अमेरिका की डेट सीलिंग जो होगी वो बढ़ेगी, मान लीजिए $15 trillion के डेट सीलिंग और बढ़ा दे, ठीक है। तो इस तरह का अमेरिका को अभी क्या है, लेजिस्लेशन पास करना है, पर क्योंकि अपोजिशन पार्टी है रिपब्लिकन, ये इसके ऊपर एग्री नहीं कर, ये कह रही है कि हम एग्री करेंगे पर कुछ शर्तों पे करेंगे, ठीक है, क्या शर्तें हैं ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है मेजोरिटी जिसके अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जिसकी मेजोरिटी है, वो कह रही है कि हम इस डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रही है रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ये समझिए आता है रिपब्लिकन पार्टी जो है वो क्या कह रही है, जिसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर मेजोरिटी है ना, कि आप लोग गवर्नमेंट जो है यूएस की गवर्नमेंट जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको स्पेंडिंग्स को कट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग्स जो कर रही है उसको कट करना चाहिए। पर बाइडन का ये मानना है कि स्पेंडिंग करना ज्यादा जरूरी है बिकॉज सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर लोगों को पैसा बहुत सारा देना होगा, COVID-19 क्राइसिस के बाद लोगों की हालत बहुत खराब है, तो उनके अंदर लोगों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के थ्रू पैसा देना होगा। तो यहाँ पर बाइडन इस बात पे अड़े हुए हैं कि आई विल नॉट कट स्पेंडिंग, और ये जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट रिपब्लिकन पार्टी है वो इस बात पे अड़ी हुई है कि अगर आप स्पेंडिंग नहीं कट करेंगे तो हम डेट सीलिंग नहीं बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है। तो बाइडन सीनेट डेमोक्रेट्स ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखिए ये डेट सीलिंग अलग इशू है, और ये जो है कि स्पेंडिंग कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये अलग इशू है, इसके ऊपर अलग से डिबेट करें, इसको डेट सीलिंग के अंदर नहीं लाए। तो मिस्टर बाइडन इज नॉट विलिंग टू नेगोशिएट स्पेंडिंग कट्स, स्पेंडिंग कट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इससे स्टूडेंट का जो डेट मैंने कैंसिल कराए फिर वो स्टूडेंट्स को ही देना पड़ जाएगा वापस, इससे जो मैंने हेल्थ केयर के ऊपर मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, उस खर्चे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे पुअर जनता को जो होगा यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, इससे टैक्स रिवेन्यू जो होगा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इससे ग्रीन इनिशिएटिव्स जो अमेरिका बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली फॉलो करता है कि ग्रीन इकोनॉमी क्रिएट करने की, वो भी नहीं हो पाएगा। प्लस यहाँ पर अमेरिका आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है, वो फंडिंग भी रुक जाएगी अगर ये स्पेंडिंग्स कम कर देंगे। तो ये तो बोल रहे हैं कि हम स्पेंडिंग कम नहीं करेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे रिपब्लिकन जो अपोजिशन में है वो बोल रही है कि अगर आप स्पेंडिंग कम नहीं करेंगे तो हम डेट सीलिंग आपकी बढ़ाएंगे, ये एक मेजर इशू है। अब यहाँ पर ये देखिए कि अमेरिका का कितना डेट है, तो अमेरिका की जीडीपी अगर मान लीजिए आप 100 rupees जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, कि मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना गुड बन रहा है उसकी मनी वैल्यू, दैट इज नोन एज जीडीपी। अगर मान लीजिए जीडीपी अमेरिका की 100 है तो 98 rupees का अमेरिका डेट ले रहा है, कर्जा ले रहा है, इतना कर्जा अमेरिका के ऊपर अभी तक हो चुका है। अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, ठीक है, जेनेट येलन का ये कहना है कि अगर मान लीजिए अमेरिका की डेट सीलिंग लिमिट नहीं बढ़ाई जाती तो एक तरह से इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ है, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफ मतलब इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कि इतना पोटेंशियल रखता है कि डेट सीलिंग अगर आपने नहीं बढ़ाई तो इससे इतना हार्म होगा यूएस इकोनॉमी को कि वो इररेपरेबल हार्म होगा, मतलब वापस से आप इसको इकोनॉमी को यूएस इकोनॉमी को खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो सर अगर डेट सीलिंग को अगर हम क्या करें, अगर हम इसको नहीं करें, ठीक है, नहीं बढ़ाएं तो क्या हो सकता है, तो पहली चीज तो यह है कि डेट सीलिंग को अगर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यूएस के अंदर क्या होगा कि अगर यूएस डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट मतलब यूएस कहे कि अब मेरे पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, तो यूएस आप देखेंगे अपने बिल्स को भी पे नहीं कर पाएगा, यूएस तो शक्तिशाली है, ठीक है, वो अपना सुपर पावर है, वो अपने बिल्स को भी पे नहीं कर पाएगा,
ना, बेनिफिट्स नहीं देगा, रिटायर्स जो होंगे उनको बेनिफिट नहीं दे पाएगा, इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा, सैलरीज नहीं दे पाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड होल्डर जिन्होंने यूएसए के बॉन्ड खरीद रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड ने यूएसए के बॉन्ड खरीद रखे हैं, उनको इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगा, उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर पाएगा। और इससे पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो सकती है इस एक स्टेप से। देखिए ये कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है, पॉलिटिकल क्राइसिस की सिचुएशन है। अपोजिशन मान नहीं रही, और अपोजिशन और जो पावर में गवर्नमेंट है, बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के बीच में एक सुलह नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इफ गवर्नमेंट कैन नॉट मेक इंटरेस्ट पेमेंट टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्टर किसी के सगे नहीं होते, इन्वेस्टर यहाँ से अपना पैसा लेकर अमेरिका से भाग जाएंगे, ठीक है, सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लग जाएंगे। अगर उनको ऐसा लगे, पूरा पैनिक हो जाएगा मार्केट के अंदर, और अमेरिकन मार्केट के अंदर पैनिक होने के साथ साथ अमेरिका का स्टॉक मार्केट जो होगा वो भी कॉलेप्स हो जाएगा। स्टॉक मार्केट के कॉलेप्स होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि डॉलर जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स अमेरिका से बोलेंगे कि भैया अब हम तुमसे कभी भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंट्री के अंदर नहीं खरीदेंगे, कभी भी तुम्हारा बॉन्ड जो है वो हम परचेज नहीं करेंगे, और शर्तें रखने लग जाएंगे इन्वेस्टर अमेरिका के अंदर, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर, कि अगर आप अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अगर आप हम आपको 100 रुपये देंगे, आप हमको मान लीजिए बढ़ाकर पैसा देंगे, 110 120 रुपये तक देंगे, तभी जाकर हम क्या करेंगे, हम आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है इकोनॉमिक डायमेंशन में, जो कि ना केवल अमेरिका को इफेक्ट करेगा पर वर्ल्ड को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मेरे को बताएं। और एक क्वेश्चन भी मैं आपसे इस वीडियो के अंदर पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अमेरिका डिफॉल्ट हो जाता है, 1 जून तक यहाँ पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, और जैसे जेनेट येलन कह रही है कि 1 जून तक अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास पैसा नहीं बचा है, हम डिफॉल्ट हो गए, मतलब कि हमने अपने हाथ खड़े कर दिए, हम अपने डेट को पे नहीं कर सकते, तो रुपीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और रुपीस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सारे सिनेरियो का, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि अमेरिका डिफॉल्ट हो जाता है, ये सुपर पावर डिफॉल्ट हो जाता है, तो रुपीस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, बाय बाय, टेक केयर एंड